गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की मूर्ति का अनावरण रविवार को। जैन समाज नीमच सहित सर्व समाज के लिए रविवार 9 जून 2024 का दिन बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। कल रविवार को नीमच सिटी स्थित श्री जैन दिवाकर छात्रावास परिसर में एकता के अग्रदूत माने जाने वाले पूज्य गुरु श्री चोथमल जी महाराज साहब की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, जिसमें जैन अनुयायियों सहित सभी समाजों के लोग कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में 2500 से अधिक लोग शामिल होंगे। शनिवार को श्री जैन दिवाकर छात्रावास में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉक्टर लाल बहादुर सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय श्री उमराव सिंह जी चौधरी की प्रेरणा और स्मृति में उनके सुपुत्र शेर सिंह चौधरी, सुपौत्र बहादुर सिंह चौधरी द्वारा महाराज साहब श्री चोथमल जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। चोथमल जी महाराज साहब का जन्म नीमच की पावन धरा पर हुआ था, जो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि 3.5 लाख रुपए की लागत से गुरुदेव की मूर्ति राजस्थान के दौसा से बनकर आई है। मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट करीब है। गुरुदेव श्री चोथमल जी महाराज साहब की मूर्ति के लिए ऐसे स्थान का चयन किया गया है जहां से सभी आने जाने वाले राहगीर भी दर्शन लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुदेव चोथमल जी महाराज साहब ने मालवा और मेवाड़ के हजारों लोगों से मांसाहार छुड़वाया। जोधपुर तथा पाली जैसे शहरों में आपकी प्रेरणादायी उपदेशों का ऐसा प्रभाव हुआ कि आज भी परिश्रम के दिनों में कत्ल खाने बंद रहते हैं। इतना ही नहीं, अन्य व्यापारी व्यवसायी अपने व्यापार बंद रखते हैं, वे सभी श्रद्धा के साथ अहिंसा दिवस मनाते हैं। पूजनीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर जी महाराज साहब, जिनकी जन्मस्थली चोथमल जी महाराज साहब, जिनकी जन्मस्थली नीमच रही है, उनका नीमच में कोई स्मारक नहीं होने की वजह से ये आज कल की तारीख में 9 जून 2024 को नीमच सिटी जैन दिवाकर छात्रावास में महाराज साहब की एक प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और ये स्मारक के रूप में यहाँ रहेगी और लोग दर्शन कर पाएंगे। सड़क के ऊपर इस जगह ऐसी बनाई है कि लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं, सड़क से ही दर्शन करके चले जाएं। पूजा हमारा उद्देश्य नहीं है, जैन धर्म में पूजा केवल संतों भगवान की होती है, संतों की नहीं होती। उस संतों की यहाँ पे केवल एक स्मारक बनाया गया है, जो कि नीमच में बहुत ज़्यादा कमी थी। पूरा 6 फीट की प्रतिमा है, जयपुर में आगे दूसरा करके गांव में, दूसरा से आगे गांव है, वहाँ से बन के आई है। 3.5 लाख की लागत है और ऑलमोस्ट 3 टन इसका वजन है। प्रतिमा के लिए एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे पर स्थापित कर दी गई है, अनावरण कल होगा उसका। और चारों तरफ टफ्टेड ग्लास रहेगा ताकि कोई इसको तोड़ नहीं सके, कोई इसको नुकसान नहीं पहुँचा सके और कबूतर या कोई चीज़ पीट पीट नहीं कर सके। एक अच्छा चबूतरा कवर्ड कमरा बनाया है तो चारों तरफ से खुला रहेगा। महाराज साहब का जी, महाराज साहब का जन्म नीमच से हुआ, जन्म नीमच में हुआ और दीक्षा बोलिया गांव में हुई, पर महाराज साहब छोटे से बड़े यहाँ हुए और मेरे दादाजी के साथ खेले और पड़े हुए। रविवार का संयोग यह है कि इनका जन्म रविवार को हुआ, कि दीक्षा रविवार को हुई, स्वर्गारोहण रविवार को हुआ। 2500 के करीब लोगों का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाहर के लोगों को हमने इन्वाइट नहीं किया है, सब नीमच के लोग हैं।